हेलो गाइस, तो अब देखो ये क्वेश्चन भी कुछ दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर, इसका जो आप लॉजिकली सोचोगे तो आंसर बहुत ही छोटा है। ठीक है, मतलब आपका हाफ मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। पहले देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो रेंज कैलकुलेशन भी बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज, एंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू ग्राउंड एट द हाइएस्ट पॉइंट इन इट्स फ्लाइट द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोर्स इन टू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मास। मतलब इसका मास क्या हो गया, हाफ हो गया। वन फ्रैगमेंट हुज इनिशियल स्पीड इज जीरो फॉल्स वर्टिकली। अब इसके वजह से क्वेश्चन और भी इजी हो गया, क्योंकि बेसिकली वन फ्रैगमेंट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो पूछा हुआ है हाउ फार फ्रॉम द गन डज द अदर फ्रैगमेंट लैंड एज्यूमिंग अ लेवल टेरेन। अब जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, इसको कुछ थ्रो किया है ऐसे, और लेट्स से ये कुछ ऐसे जाने वाला था। प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री में किया हुआ है तो, और इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है। अब ये कुछ ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट द हाइएस्ट पॉइंट हियर, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोजेक्टाइल के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा सीधा नीचे आ गया कुछ ऐसे और यहाँ पे गिर गया, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, अब दूसरा टुकड़ा कहाँ पे जाएगा। अब आपने एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब एक्सप्लोजन होता है, मुझे बताओ जब एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन में जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से डेवलप नहीं होता सिवाय ग्रेविटी। तो द ओनली एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये जब एक्सप्लोड होगा, जब एक टुकड़ा यहाँ पे आया, अब दूसरा टुकड़ा कुछ ऐसे जाएगा सच दैट ये जो मास गिरा, लेट्स से इसका मास लेता हूं मैं m, इसका मास भी लेता हूं मैं m, और लेट्स से प्रोजेक्टाइल का मास है 2m, तो ये ऐसे जगह पे गिरेगा कि इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, क्योंकि बेसिकली एक्सप्लोजन के वजह से जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। ये यहां पे क्ल्यू था, ये यहां पे एक्चुअल हिंट था। मतलब जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ, एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे गिरा, तो लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो एक्सप्लोजन के पहले करने वाला था। तो बेसिकली मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आके गिरेगा, यहाँ पे। तो ध्यान में रखना है एक मास यहाँ पे गिरा, एक मास यहाँ पे, दोनों मास इक्वल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्टली मिडल। तो मतलब ये लेंथ और ये वाला जो लेंथ है दोनों इक्वल है। अब मुझे पूछा हुआ है कि ये जो गन रखा हुआ है, गन और ये जो पॉइंट पी, इसका लेंथ कितना है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इक्वल टू ए लेंथ है ही, अब ये लेंथ भी तो इक्वल है दोनों, क्योंकि एग्जैक्टली मिडल पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। तो मुझे सपोज रेंज को मैंने कैलकुलेट किया, तो रेंज को कैलकुलेट करने के बाद लेट से ये हो गया मेरा आर बाई टू, तो ये भी मेरा हो गया आर बाई टू, और ये भी मेरा हो गया आर बाई टू, तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, 3R/2। सिर्फ मुझे रेंज को कैलकुलेट करना है, और मेरा डिस्टेंस बिटवीन दिस गन एंड दिस पॉइंट पी कितना होगा, 3R/2। तो मेरा आंसर होने वाला है 3R/2। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, रेंज की वैल्यू निकालनी है। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ / g। अब साइन 2 × 45 जो साइन 90, तो ये आएगा u² / g, तो u की वैल्यू यहाँ पे 20, तो 20² / 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। तो मेरा जो आंसर है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन जी पी गन एंड दैट पॉइंट पी इज इक्वल टू 3 × 40/2 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 60 मीटर। देखो कितना इजी कैलकुलेशन था। अब जो भी आपका टाइम गया वो किसमें गया, सिर्फ एनालाइज करने में, इस क्वेश्चन को एनालाइज करने में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैंने एक वन ऑफ द मेथड दिया है कि जो सबसे इजी है। आप इवन यहाँ पे
मोमेंटम कंजर्वेशन से यहाँ पे इसका वेलोसिटी निकाल सकते हो, और उस वेलोसिटी के बाद ये प्रोजेक्टाइल को हम लोग सॉल्व कर सकते हो, तो आपका ये डिस्टेंस मिलेगा। अब ये भी एक मेथड है, लेकिन वो लंबा मेथड है, उसको क्यों करना है आपको? रिमेंबर, आपको इस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में सॉल्व करना है।